सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज सावन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग का एक खास दोस्त है जो कि मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, यूक्रेन जा रहा है। सो हम लोग सारे दोस्त लोग ने मिलकर कुछ प्लान किया उसके लिए, छोटा सा पार्टी, छोटा सा फेयरवेल पार्टी। कि मतलब वो थोड़ा नर्वस दिख रहा था सुबह से, ये थोड़ा उदास भी था, पहली बार जा रहा है बाहर पढ़ने, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि नर्वस हो गए। तो हम लोग सारे दोस्त लोग ने प्लान किया है कि एक उसको सरप्राइज़ फेयरवेल पार्टी दिया जाए। तो हम तो अभी आर्ट कैफे पहुंच गए हैं और सबका वेट कर रहे हैं कि सब लोग आए, सत्यम वगैरह सब आ रहा है अभी, उसके बाद जाया जाएगा, उसको छोटा सा सरप्राइज़ पार्टी दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग से डायरेक्ट सब दोस्त लोग के आने के बाद। पहचान आ गया है, उसको भी कुछ पता ही नहीं कि उसके लिए क्या सरप्राइज रखे हम लोग। कुशल भी है, यश भी, और बाकी सारा दोस्त लोग का बस वेट हो रहा है, वो लोग भी आ ही रहा होगा थोड़ा देर में। अधिकतर लोग आ ही गया, अब हम जा रहे हैं। मयंक का गाड़ी लेके आए हुए थे, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा गाड़ी टूट गया, तो हम जा रहे हैं मयंक का गाड़ी लेके आए हुए थे, गए थे केक खरीदने के लिए। तो अब जा रहे हैं, उसका गाड़ी घर पर रख के फिर आएगी, उसके बाद फिर निकला जाएगा। तो अभी यश भी आ गया है, जफर भी आ गया, फरदी ने बैठा हुआ है, अभी फैजान को आगे भेजा दिया सत्यम वगैरह के साथ, बहाना करके गुलशन भाई का बर्थडे है। तो अभी कुछ दोस्त और आ रहा है, आनंद हर्ष वगैरह आ रहा है, आनंद वही कमलेश, तो आ रहा है वो लोग। तो उसके बाद डायरेक्ट पे निकलते हैं, डायरेक्ट ऑर्चिड जाने का प्लान बना है, तो वहीं पर जाके फिर आप लोग को आगे का दिखाते हैं। उस टाइम केक बढ़िया से नहीं दिखा पाए थे, ये देखिए केक, हैप्पी जर्नी। फैजान लिखाना भूल गए भाई, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। अब निकल रहे हम लोग ऑर्चिड के लिए, गुलशन भी हम लोग पहुँच गए, आयुष भी अभी पहुँच गए। निकालना है स्कूटी, ओहो स्कूटी पे दिन आ गया है, मेरा एनएस कब बन के आएगा। बाय बाय आर्ट कैफे। पहुंच गए हम लोग ऑर्चिड, केक वाला बंदा पता नहीं कहाँ रह गया। ऑर्चिड के नीचे पहुंचे हुए, अभी इंतजार कर रहे हैं, सब लोग आ गया, बस गुलशन भी आयुष भी, पता नहीं किस चीज़ में उनको इतना लेट हो गया है। फैजान को अभी तक कुछ नहीं पता है कि उसके लिए हम लोग सरप्राइज रखे या फिर कुछ, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। वैसे मिस तो बहुत करेंगे, क्या जब मिस करेगा ना। कौन सा फ्लोर था? फोर। बर्थडे प्लान का बहाना करके बुलाया है, वो तो लेट है। केबिन में खोजो, केबिन में होगा। फाइनली जितना का इंतजार था सब आ गया है, गुलशन भी अभी आ गया है, आयुष भी सब आ गया है, अब ऑर्डर किया जाए। एक तो इतना मुश्किल से गाना बंद करवाए कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आ जाए, और वहाँ पे ब्लॉक करने भी नहीं दे रहा हमको। क्या लड़का है फैजान, अभी तक उसको पता भी नहीं कि उसके लिए पार्टी रखा गया है। सत्यम और गुलशन भी अब भेज है तो मजबूरी में भेज, ऑर्डर करना पड़ गया। दो आदमी के लिए स्पेशल ऑर्डर करना पड़ गया बेचारा, दोनों सबके बाद गुलशन कर दिए बेचारा, फिर नहीं खिला। मत लो स्नैप यस, कोई फायदा नहीं है अभी तक। देखते हैं थोड़ा फैजान को 10-15 मिनट और वेट करते हैं, उसका जब केक काटेंगे तो उसको पता चल ही जाएगा किसी का बर्थडे नहीं है। उसी के लिए हैप्पी जर्नी के लिए, हैप्पी जर्नी विश करने के लिए थोड़ा सा पार्टी रखा गया, सारे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद ही पार्टी रखा गया। अकेले पार्टी नहीं दे रहे, गलत नहीं समझिए। चलिए गुलशन भैया थोड़ा केक काट लिया, अब बारी है केक काटने का। जफर खोलो भाई, ए चुप, केक केक केक। आईफोन से केक कटेगा पहले, आईफोन से कटेगा पहले। हाँ आईफोन से केक कटेगा, आईफोन से कटेगा, आईफोन से कटेगा। आइए
आईफोन होगा किसका? आयुष भैया कहाँ गए? फैजान केक काटो भाई, तुम्हारे लिए केक लाए भाई, उसको उठाओ। तुम्हारा ये बर्थडे है फैजान, दिस इज फॉर यू, हैप्पी जर्नी। नहीं है यार, हमारा नहीं है, हॉट एंड कोल्ड में नहीं है, ऑर्चिड में। फैजान ए चिल्ला चिल्ला मत करो, भाई काट काट काट, बहुत बहुत मेहनत से सरप्राइज तेरे लिए प्लान किया है, और हम है ऑर्गेनाइजर, हम है, क्या बोलना चाहेगा तू? स्पॉन्सर भी हम है, थैंक यू स्पॉन्सर। प्लानिंग मेरा था भाई, प्लानिंग इनका नहीं था, मेरा ही था। अरे गुलशन का बर्थडे नहीं है, बर्थडे नहीं, जान गया, मार खाते ही जान गया वो तुम्हारे लिए। ये कैसे बचा भाई? चलो केक कट, केक कट। हैप्पी जर्नी टू यू। ये केक, बाप रे बाप, हाँ यूक्रेन में जाके बस शादी मत करना, बाकी कुछ सब कुछ कर लेना। आगे अफयान को सरप्राइज दे दिए, कैसा लगा? उसका बर्थडे भी नहीं, बर्थडे वाला सॉन्ग बज गया। इनके फैजान को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग तो देख ही रहा होगा फैजान, बता देना कैसा लगा था सरप्राइज, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया। अरे नहीं भाई मजाक कर रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइज किए मतलब प्लान था आयुष भैया का, पर हम लोग फिर बाद में सारे थैंक यू मानो तो सिर्फ हमको बोल रहे हैं, हम लोग बहुत मिस करेंगे तुमको, तुम्हारे साथ कमिटेड कोई नहीं है। बाय बाय। बस हम लोग खाना आ गया, अब खाना स्टार्ट किया जाए। उधर दो वेज वाले आदमी बैठे हुए, बाकी सारे नॉन वेज, पहचान यही है। सो पार्टी हो गया, सरप्राइज पार्टी हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग घर, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट फ्रेंड शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।